नमस्कार, एनसीआर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। शहीदों के नाम पर केवल राजनीति ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि शहीदों के परिवार की बाद में भी शुद्ध लेनी चाहिए कि वे किस हालात में हैं और उनकी क्या जरूरत है। ये कहना है पूर्व डीजीपी शील मधुर का, जो यहाँ गाँव अटाली में शहीद संदीप को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से बात कर रहे थे। शील मधुर ने कहा है कि परिवार के लिए यह दुख बहुत बड़ा है, लेकिन देश के लिए उनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व डीजीपी शील मधुर ने कहा है कि देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों के परिवारों का ध्यान रखना जहां सेना और सरकारों का दायित्व है, वहीं स्थानीय प्रशासन और नेताओं को भी चाहिए कि समय समय पर शहीदों के परिवारों की सुध बुध लेते रहें। शील मधुर ने शहीद संदीप के पिता से उन्हें मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। शहीद के पिता ने बताया कि सेना की ओर से मिलने वाली सहायता राशि जो उन्हें मिल गई है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। उनके पास ना तो कोई जमीन है और ना ही संदीप की पत्नी और उसके भाई के पास कोई स्थायी नौकरी। साथ ही शील मधुर ने उनके आश्वासन दिलाया है कि वो उपायुक्त से बात करेंगे ताकि आश्रितों को स्थायी नौकरी जल्द मिल जाए। इस अवसर पर उनके साथ अरुण मित्तल, जीडी कौशल, राज सिंह सहित दर्जनों लोगों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, शहीदों को सही श्रद्धांजलि तो तब होगी जब इनके लिए कुछ किया जाए, इनके परिवार के लिए। और राजनीतिक रूप से या किसी रूप से श्रेय लेने की बजाय जो है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इनके परिवार में जैसा इनसे बात हुई कि दो लोग काम कर सकते हैं, तो दोनों लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इसकी हम लोगों को, सब लोगों को भावना बनानी चाहिए। और हम लोग भी अपनी सरकारों से हर जगह पे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी सरकार से भी, कि इनको, दोनों लोगों को, इनकी पत्नी को भी और इनका जो बेटा है, क्योंकि इनके पास ज़मीन भी नहीं है, खेती के लिए भी ज़मीन नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक शहीद को, शहीद के परिवार को एक सम्मानजनक जीवन आगे जीने का मौका मिले, उसके लिए जो है दोनों को नौकरी जल्दी से जल्दी मिले और सरकारी नौकरी परमानेंट मिले, तो वो सबसे अच्छा होगा। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के एक नंबर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का स्थानीय निवासी एक बुजुर्ग के जरिए जोरदार विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा, मेयर सुमन बाला भी बुजुर्ग को शांत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग अपनी परेशानी रखता रहा और बचाव में विधायक और मेयर मामले का शांत करने का प्रयास करती रही। असल में गत दिवस केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक सीमा त्रिखा और मेयर सुमन बाला फरीदाबाद के एक नंबर स्थित एफ ब्लॉक में पार्क में सौंदर्यकरण का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां पर एक जनसभा भी रखी हुई थी। जैसे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वहां पहुंचे तो सीनियर सिटीजन ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और काफी देर तक मंत्री से शिकायत करते रहे कि वे उनके घर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा। इसी बीच किसी ने इस सारे वाक्य का कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें विधायक और मेयर मंत्री का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि मैं 4 साल हो गए चक्कर काट काट के थक गया। पहले तो 1.5 साल नगर निगम के जो दुकानें टूटी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, दुकान के चक्कर काट काट के 1.5 साल नगर निगम के चक्कर काटे हैं मैंने। किस बात को लेके चक्कर काटे आपने? दुकान लेने के चक्कर। दुकान मिल गई, अब रोला डल गया बिजली का। 2 साल हो गए दुकान बनी पड़ी है, ताले लगे पड़े हैं। अब मैं रात को मोमबत्ती को जगा के बैठ नहीं सकता, लाइट के चक्कर में है। अब बिजली डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो बोलते हैं नगर निगम वाले देंगे, और नगर निगम वाले बोलते हैं बिजली डिपार्टमेंट हरियाणा बोर्ड वाला देगा। मुख्यमंत्री के भी संदेश आ गए हैं जी। मुख्यमंत्री जब जनता दरबार लगाया था उन्होंने संदेश दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे? हाँ जी, मीटर लगाने के। हाँ जी, उसके बावजूद भी नहीं, उसके बाद भी नहीं सुनाई हो रही। तो आप इनके घर पे कितनी बार जा चुके हैं? किनके? कृष्णपाल जी के। कृष्णपाल जी के मैं 3-4 चक्कर काटे हैं। अच्छा, क्या कह दिया उन्होंने? वो उनके संतरी होते हैं, बोलते हैं दिल्ली गए हैं। अच्छा, दिल्ली दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए हैं। कल ये आए उद्घाटन के लिए, मैं चला गया। मैंने कहा चलो यही बात कर लेते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं। आपने क्या कहा उनसे? इन्होंने कहा कि मैं अभी 1 घंटे में आपको जवाब दूंगा, बिजली लग जाएगी। आपने क्या कहा इनसे? मैंने ये कहा मेरा कसूर ये बता दो कि मैं
लाइट क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने कहा मैं आपको एक घंटे में लाइट दूंगा। और मैंने ये पूछा कि मेरे को तरीक बता दीजिए। मोदी जी बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन है हमारे? 4 साल हो गए भाई साहब, मुझे मालूम है मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। मीटर के लिए धक्के खा रहे हो? हाँ जी, 2 साल हो गए धक्के खा रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ। मैं पार्टी अध्यक्ष से भी मिल के आया हूँ और पीएम ऑफिस में भी मिल के आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं। वहां से तो सुनवाई है, नीचे से नहीं। क्या दिक्कतें आ रही है आपको फिर? बिजली बोर्ड वाले 45 लाख रुपए मांग रहे। किस बात के? मीटर लगवाने के, 236 दुकानदारों के। अब जो मेरा हिस्सा आएगा मैं वही दूंगा ना। 13,000 रुपये मेरा हिस्सा आता है, गुणा कर लो 236 से, 13,000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ। 6,500 रुपये मैंने रसीद भी कटवा रखी है। नहीं देते? नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि पैसे दे। अब कृष्णपाल जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने तो ये कहा कि मैं एक घंटे में आपको बिजली लगा के दूंगा। अब लगी नहीं? लगी अभी नहीं लगी। मैंने तारीख पूछी है, तारीख बता दीजिए। वो उन्होंने कुछ नहीं बोला और चले गए। आगे चुनाव आ रहे हैं और चुनावों में क्या रहेगी स्थिति? क्या आप विरोध करेंगे इस चीज का? इस चीज का तो हम भाई साहब नोटा बटन दबाएंगे। हम तो संघ से जुड़े हुए हैं, वोट अपना खराब नहीं करेंगे। हम तो नोटा बटन दबाएंगे। ठीक। खबर फरीदाबाद से ही। कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 और 64 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, पार्षद राकेश गुर्जर और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय लोगों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और उनका शिलान्यास भी किया। उनका दावा था कि यह विकास कार्य जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जितने विकास कार्य विधायकों ने कराए हैं उतने किसी भी सरकार में नहीं हुए। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव जल्द ही हो जाएंगे और विधानसभा चुनाव अक्टूबर में कराए जाएंगे। आज देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की ही जरूरत है। जितने काम फरीदाबाद लोकसभा में हर क्षेत्र में, चाहे बल्लभगढ़ हो, फरीदाबाद हो, कल हो, दिगांव हो, आगे पलवल हो, हकीन हो, होडल हो, पिथला हो, इतने विकास कार्य पिछले 5 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे विधायकों ने किए, इतने कभी नहीं हुए। उसी कड़ी में आज भी लाखों रुपये के काम, करोड़ों रुपये के कामों की शुरुआत फिर से हमने किए हैं, उनके शिलान्यास किए हैं, जिससे वो काम जल्दी से जल्दी पूरे हो। चुनाव की बात करें, अब विधानसभा लोकसभा के चुनाव क्या जल्दी एक साथ होंगे या फिर किस तरीके से? लेकिन पहले तय है, अभी लोकसभा होंगे और विधानसभा अक्टूबर में होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, पार्टी के लोगों ने भी। विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी सरकार को इस बार कड़ी टक्कर देने वाले हैं ये कांग्रेसी हैं, जो विदेश जो विपक्षी हैं, आपका क्या कहना है इस पे? वो तो कहते हैं ना, नई बाल कहाना जमाना। औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले फरीदाबाद शहर के व्यापारियों पर भी अब सीलिंग खतरा मंडराने लगा है। जिन व्यापारियों ने रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल गतिविधि कर रखी है उन व्यापारियों को नगर निगम ने सील करने के नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि 2008 में याचिकाकर्ता के एल गेरा ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने शिकायत दी थी कि फरीदाबाद में रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल गतिविधि की जा रही है, उन्हें बंद किया जाए, जिनसे शहर का स्वरूप बदल रहा है, जिस पर अब प्रशासन भी संज्ञान ले रहा है और सील करने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके चलते उन संस्थानों ने अपनी दुकानों के आगे खुद ही दीवारें लगा ली हैं। इस पूरे मामले को लेकर व्यापारियों में भारी रोष देखा जा रहा है और व्यापारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी हैं, जिसके चलते व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश भाटिया और पूर्व विधायक चंद्र भाटिया ने व्यापारियों के साथ बैठक की और फैसला लिया कि कल नगर निगम में ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी ऐसा है, सारे व्यापारी भाइयों मेरे इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, हर एसोसिएशन के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और उनके सहयोग के साथ आए थे। हमने पिछला हवाला बताया कि पिछली सरकार में हमने लड़के कैसे रेट कम कराए थे, 15,000 से 1500 रुपये कराए थे, वो सारी बात हुई थी। पिछले 9 साल से सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज की मुद्दे की बात, आज के मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने जो नोटिस इशू किए हैं, हम उस पर कह रहे हैं कि आपने पार्किंग व्यवस्था आपने करनी, हमने नहीं करनी। मल्टीनेशनल पार्किंग आपने बनानी थी,
आपने नहीं मनाई, व्यापारी पार्किंग कहाँ से बनाएगा। हमें नेहरू जी ने बताया था अपने उस वक्त जब पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर अपना रोजगार करो, जो मर्जी करो, हम आपको नहीं उजाड़ेंगे। लेकिन ये क्या मुद्दा है कि जो बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे संस्थान हैं, व्यापारिक संस्थान है, जिनको जो है ये डंडा दिया गया है और वो अपनी दुकानों के आगे दीवारें लगा रहे हैं, ये क्या मुद्दा है? इन्होंने कुछ दुकानों के रात को परसों नोटिस चिपका दिए, वो डर के मारे उन्होंने अपना दीवार लखाड़ी करने कर दी, मगर हमने उनसे अनुरोध किया आप डरने की जरूरत नहीं है, व्यापार मंडल आपके साथ है, इस के नए तहत हम कल नगर निगम में जाएंगे मेमोरेंडम देने के लिए, सारे व्यापारी भाई इकट्ठे होके, और कल उनसे बात करेंगे। जो इन्होंने कल एक, आपको याद होगा कि कल एक लेटर इशू किया CLU का, वो लेटर इशू नहीं हुआ ना, CLU मिला लोगों को, उसमें कुछ शर्तें उन्होंने ऐसी रख दी हैं जो कोई व्यापारी भाई पूरी नहीं कर सकता। जैसे नगर पालिका का एक्ट बता दिया, उसमें नगर पालिका एक्ट में 10 फुट आगे छोड़ना, 10 फुट पीछे छोड़ना है, पार्किंग व्यवस्था करनी है, उन्होंने उसमें कोई भी शर्त पूरी नहीं हो सकती। खबर पटला से है। पटला से विधायक टेकचंद शर्मा ने कई गांवों में लगभग 3 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसी कड़ी में हरफली में भी करीब 53 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा है कि आगामी चुनाव में जो भी उम्मीदवार यहां वोट मांगने आए, उसको विकास कार्य के बारे में जरूर अवगत कराना, ताकि उनको पता लगे कि विकास कार्य किस तरीके से किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने गाँव के विकासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल नजारा पुतला के गांव हरफली का है, जहां विधायक टेकचंद शर्मा का पगड़ी पहनकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि गांव में चाहे गलियों की बात हो या फिर कम्युनिटी सेंटर और श्मशान घाट सहित सभी विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते गांव में अब लगातार सरपंच भी आपस में विकास कार्य करने के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। होडल नगर परिषद में 2018-19 का बजट पेश किया गया, जो हंगामेदार रहा। 21 पार्षदों में से 19 पार्षदों ने भाग लिया, जिसमें से 12 पार्षदों ने इस बजट का बहिष्कार कर नगर परिषद बोर्ड चेयरमैन और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए वाइस चेयरमैन और पार्षदों ने कहा है कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, पूरा शहर नरक बना हुआ है और न ही लाइटों की रिपेयरिंग की जा रही है। वहीं पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमसे बजट तो पास करा लिया जाता है और उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने निजी लोगों को टेंडर दिए जाते हैं। इसलिए आज के बजट में 21 पार्षदों में से 19 पार्षद आए थे और उनमें से भी 12 पार्षदों ने बजट का विरोध जताया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि करीब 2.5 वर्ष से ज्यादा इस नगर परिषद बोर्ड बने हुए हो गया है और बजटों में तभी से मृतक पशुओं को उठाने के लिए कागजों में 25 लाख का टेंडर छोड़ा हुआ है, लेकिन असलियत में मृतक पशुओं को जनता अपने पैसे देकर उठवाती है। इस तरह के न जाने कितने घोटाले हो रहे हैं। हम सभी पार्षद इस मामले में जिला उपायुक्त से मिलने जाएंगे और इस घोटाले की जांच करेंगे। जब भी मीटिंग होती, ना तो मीटिंग से कोई सहमत होता है, सभी पार्षद सहमत नहीं होते हैं और ना ही शहर में इतनी गंदगी फैली हुई है, गंदगी पे कोई भी प्रबंध नहीं करता है, सफाई नहीं करवाता है और ना ही जैसे शहर में गलियों में अंधेरा हो रहा है, ना ही लाइटों का कोई प्रबंध। तो इसी लेकर के आपने आज विरोध जताया? बजट पास कर लेते हैं, पैसों को निकाल लेते हैं भैया। हमारे 21 पार्षद नगर परिषद होडल में, जिनमें 2 पार्षद आज मौजूद नहीं थे सदन में, टोटल 19 पार्षद थे, जिनमें 12 पार्षदों ने अपना विरोध जताया है बजट के। उसमें सभी पार्षदों का कहना है कि हमसे बजट पास करा लिया जाता है और उस बजट के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, गिने चुने निजी लोगों को टेंडर दे दिए जाते हैं, और तो और जिन कुर्सियों पर हम बैठे थे वो भी टेंट हाउस से किराए पर मंगाई गई थी। इसलिए राजगोपाल चेयरमैन की अध्यक्षता में सभी पार्षदों ने बजट का विरोध किया और बहिष्कार किया। 19 पार्षद आज मौके पर थे, जिनमें 21 में से 19 थे और जिनमें से 12 पार्षदों ने विरोध किया, 7 पार्षद इनके पक्ष में हैं, वो भी 7 मौजूद नहीं थे, उनके पति था, कोई जेठ वगैरह था, उन्होंने उनके पक्ष में किया। तो 12-7 से ये जो बजट है हमारे नगर परिषद का, ये रद्द हो चुका है। आज जो बजट था 18-19 के था हमारे शहर के बारे में, जैसे पता आपको बजट जो होता है किसी भी शहर के लिए, कमेटी के लिए, परिषद के लिए, सबके लिए जो होता है, इस बजट के ही द्वारा हमारे रखे जाते हैं, कोई सैलरी वगैरह कर्मचारियों की आउटसोर्स में जो भी रख रहे हैं हम, सफाई स्वीपरों की जितनी सबकी जो सैलरी होती हैं, ये चीज़ें, मतलब मेरा कहने का मतलब जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो एक पालिका चलाने के लिए, परिषद चलाने के लिए, और जो हमारी आय होती है, तो पटल पर रखी थी आज हमारे EO साहब ने रखी थी अकाउंटेंट के माध्यम से, उन्होंने सारा एक एक हेड पूरा डिटेल में सभी परिषद सदन में रखा था। लेकिन
आज हैरानी की बात है, अपना ग्रोथ था उनका सफाई का, जो जायज़ है मैं भी उस बात में सहमत हूँ सफाई के बात में कि हमारे शहर में सफाई की जो नहीं हो पा रही है स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। कई बार हम भी मैं प्रयास कर चुका हूँ, पिछली मीटिंग में भी मैंने प्रस्ताव पास किया था, मैं खुद डीजी साहब से मिल के आया था, लेटर भी लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमें अनुमति नहीं मिली है। मीटिंग थी आज, ये मात्र हमारी एक कमेटी चलाने की थी जिसमें कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, कोई हमारा कोई शहर के बारे में वैसा डिस्कशन नहीं था क्या है। ठीक है, आज हमारे पार्षदों ने निर्णय लिया कि जब तक हमारी सफाई की व्यवस्था नहीं बन जाएगी शहर में, जब तक हम बजट पास नहीं करेंगे। बाकी मेरा तो अभी भी पार्षदों से यही कहना है कि ये बजट की मीटिंग एक अलग चीज होती है, आप लोग इसे पास कराइए। ये विरोध जताया था कि 3 साल से इस प्रशासन ने मृतक पशुओं के टेंडर छोड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी तक कागजों में छोड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी कोई टेंडर जारी नहीं किया गया, नहीं आपने पैसे से पशुओं को उठवाना पड़ता है मृतक पशुओं। टेंडर अभी कोई जारी नहीं किया गया, अभी जो बोर्ड हुआ है इसे 2.5 साल से ऊपर हुआ है, जब हम इसमें कार्य में आए तो हमने इसका बोर्ड में प्रस्ताव पास कर रखा है इसके लिए कि इसके टेंडर उठाए जाएं, ये ही चीज़ बजट में रखी गई थी, ये चीज़ करी जाए, ना कि ये कि करी गई है, ये चीज़ करी जाए उस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये आगे अगर पास होता तो इसका टेंडर भी लगता, तो आज उसका विरोध कर दिया। तीन साल से लगा हुआ है, 3 साल से नहीं है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हमें 1.5-2 साल के करीब पहले हमने किया था प्रस्ताव, तो मैंने इसके आदेश दे भी रखे हैं इन्हें कि इसे जल्द से जल्द करें। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के तिकोना पार्क ऑटो मार्केट में अचानक एक दुकान में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह आग दुकान की छत पर लगी हुई थी। आनन-फानन में लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया। इस आग से आसपास की दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया था। मौके पर मौजूद पड़ोसी दुकानदारों ने बताया कि आग छत पर पड़े वेस्ट मटेरियल में लगी थी, जिसको काबू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग ज्यादा होने के कारण वह भागकर नीचे आ गए और दमकल को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और बड़ा खतरा टल गया। हम अपनी शॉप में अंदर बैठे हुए थे सर जी, एकदम यहाँ से कोई भगा आया पीछे से कि ऊपर छत पे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, जब ही फिर सारा एकदम शोर शराबा मच गया। कितने बजे की बात है ये? आपकी 10:15 बजे की बात है सर जी। दुकान कौन सी है सर ये? हाँ जी, दुकान ये बाटा यूनियन की दुकानें हैं सर जी, बाटा यूनियन की दुकानें हैं। 10:15 बजे के आसपास मुझे आग का पता लगा था, तो तुरंत ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के देखा तो बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। फिर मैंने पड़ोस में टंकी रखी थी, उसमें से पानी निकाल के 2-3 बाल्टी पानी भी डाला, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी। फिर मैंने खुद नीचे आ गया था, जो आग की लिपटें बहुत तेज थी, बहुत जलन। फिर फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन करा, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। कितनी देर में? 10 मिनट लगे फायर ब्रिगेड को आने में। फिलहाल मेरे साथ एनसीआर टाइम्स में इतना ही, नमस्कार।